हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल टेक ज्ञान में। मैं हूं आपका होस्ट कुशाग्र, और आज हम डिस्कस करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में, जो कि एक यूटिलिटी है जो हमें विंडोज़ ओएस के साथ मिलती है। तो हम देखेंगे कि इसकी कुछ कमांड्स और इसका क्या यूज़ है और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिए दिस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, व्हाट इज कमांड प्रॉम्प्ट एंड व्हाई इट इज़ गिवन। कमांड प्रॉम्प्ट एक ऐसी यूटिलिटी दी है हमको विंडोज़ ने, जिसके थ्रू हम वो फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि हम विंडोज़ एक्सप्लोरर के थ्रू करते हैं। मीन्स जब आप माय कंप्यूटर ओपन करते हैं और इसके थ्रू जो एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए कॉपी करना, फाइल मूव करना, वो हम एक्टिविटी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। इसलिए कमांड प्रॉम्प्ट दिया गया है ताकि अगर आपको विंडोज एक्सप्लोरर यूज़ नहीं करना है, मान लीजिए आपका माउस खराब हो गया या फिर आप कुछ ऐसा पोजीशन आ गई है, कंडीशन आ गई कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना पड़ रहा है, उस केस में आपको कुछ कमांड्स पता होना चाहिए जो कि यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कैसे ओपन करें कमांड प्रॉम्प्ट को, तो उसके लिए आपको विंडोज 10 के सर्च ऑप्शन में जाना है और CMD टाइप करना है तो और इंटर मारना है, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। या फिर आप इसके लिए आपके प्रोग्राम्स फाइल्स में जा सकते हैं, और यहाँ पे विंडोज़ की जो विंडोज सिस्टम नाम का जो ऑप्शन है, इसमें जाकर आप देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। दोनों रास्ते हैं आपके पास। एक बार ओपन हो गया तो ये उसका एक आउटलुक होता है, ऐसा दिखता है कमांड प्रॉम्प्ट। सो आइए शुरू करते हैं कि पहली कमांड से स्टार्ट करते हैं। करेंटली ये बाय डिफॉल्ट आपके जो करंट यूजर है उस डायरेक्टरी में रहेगा, लेकिन आपको किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए कमांड होती है CD, चेंज डायरेक्टरी। तो चेंज डायरेक्टरी के लिए आपको क्या करना है, CD, और आप इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश देंगे तो वो आपको डायरेक्ट सी ड्राइव में भेज देगा। ओके, अब सी ड्राइव में जाने के बाद अगर आप सपोज कीजिए प्रोग्राम फाइल में जाना है तो P दबाइए, उसके बाद टैब प्रेस कीजिए और फिर टैब प्रेस करते ही जब तक प्रोग्राम फाइल्स नहीं आता, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोग्राम फाइल्स आ गया है, तो यहाँ पे इंटर मारिए। तो अब अभी आप प्रोग्राम फाइल डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये हुई हमारी पहली कमांड। दूसरी कमांड हम देखते हैं कि कैसे लिस्ट करेंगे सारे फोल्डर्स को जो कि एक डायरेक्टरी में प्रेजेंट है या एक ड्राइव में प्रेजेंट है। तो उसके लिए सिंपल आपको DIR टाइप करना है और इंटर मारना है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, जितनी भी लिस्ट, जितने भी फोल्डर्स हमारे ड्राइव में हैं वो लिस्ट डाउन हो गए। ओके दोस्तों, तो ये हुई हमारी दूसरी कमांड। पहली कमांड थी CD, दूसरी कमांड थी डायरेक्टरी। ओके, सो तीसरा कमांड है इको। इको कुछ भी चीज प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है। सो सपोज कीजिए इको इन्वर्टेड कॉमा हेलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो प्रिंट हो गया। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसके बिना लिखेंगे तो भी मुझे लगता है प्रिंट हो जाएगा। नहीं, आपको इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा। सॉरी माय इस बैड। ठीक है दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है। इको उस केस में यूज करता है जब आप कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, वहां पे आप कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, तब आप इको का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो सपोज कीजिए आपको नई फोल्डर बनाना है, तो उसके लिए आपको MKDIR कमांड यूज करना है और फोल्डर का नाम लिखना है। तो ओके, बिकॉज प्रोग्राम फाइल में हम यहाँ से डायरेक्ट फोल्डर नहीं बना सकते, तो आपको किसी यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन का इशू है, तो सपोज कीजिए हम डी ड्राइव में जाते हैं। ओके, हम डी ड्राइव में आ गए। डी ड्राइव में आने के बाद MKDIR टेस्ट DIR,
ओके, अब हम चेक करते हैं कि डी ड्राइव में बना है कि नहीं टेस्ट डीआर। देख सकते हैं आप टेस्ट डीआर डायरेक्टरी बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई हमारी नेक्स्ट कमांड। अभी अगर आपको ये सारा कंटेंट किसी एक फाइल में राइट करना है कमांड प्रॉम्प्ट का, आपको एक लॉग मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए कमांड है ट्री एंगल ब्रैकेट, उसके बाद आपकी फाइल का नाम लॉग फाइल डॉट txt। ओके, सो यहाँ पे वो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि जितना भी लॉग ऊपर है वो उस फाइल में राइट करेगा, और ये स्टोर वहाँ करेगा जहाँ पे आप करेंटली हैं। सिंस अभी हम डी ड्राइव में है तो वो डी ड्राइव में स्टोर कर देगा उसको, जैसा कि आप देख सकते हैं लॉग फाइल डॉट txt। ये सारा कंटेंट आ चुका है। अब ये सारा कंटेंट हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं रहता है, बट उसको बाद में आप डिक्रिप्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो कि है ड्राइवर फ्रीक्वेंसी, ड्राइवर क्वेरी। सो ड्राइवर क्वेरी क्या करता है कि आपके जितने भी ड्राइवर्स इंस्टॉल है आपके सिस्टम में उनकी डिटेल्स आपको लाके देगा, ड्राइवर क्वेरी। देखिए वो सारे ड्राइवर की डिटेल्स लाके आ जाते हैं। ओके, अगर आपको इससे ज्यादा और डिटेल चाहिए तो आप ड्राइवर -v का यूज कीजिए, सारे डिटेल के साथ सारे फाइल्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको बीच में अगर इसको कट करना है तो आप कंट्रोल सी का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल सी क्या करता है, कंट्रोल सी जो भी करंट फ्लो चल रहा है उसको डिस्टर्ब करता है, उसको हॉल्ट कर देता है और उस फ्लो से बाहर आ जाता है। तो आप कंट्रोल सी का यूज़ कर सकते हैं, सपोज कि आप किसी लूप में फंस गए या फिर आपने कोई बड़ी फाइल लोड करने को डाल दी है तो आप उससे बाहर आना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल सी का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो हमारी नेक्स्ट कमांड है फिंगर। फिंगर क्या करता है, फिंगर किसी रिमोट यूजर को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। सो नॉर्मली ये तब यूज करते हैं जब आपका डेस्कटॉप किसी रिमोट यूजर से कनेक्टेड है। सो आप जैसे अब फिंगर, अब मेरे जैसे यूजर का नाम है यूजर, उसने यूजर का नाम दिया कि इस लैपटॉप का क्या नाम है तो उसने दिया, लेकिन उसने कनेक्शन रिफ्यूज बताया क्योंकि ये लोकल नेटवर्क पर ही है, यहाँ पर रिमोट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो सर्च नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम कमांड हम देखते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट ऐसी कमांड है जो आपको काफ़ी यूजफुल होगी, सपोज कि आपके पेन ड्राइव में वायरस आ गया है तो आप उसको विंडोज एक्सप्लोरर के थ्रू फॉर्मेट नहीं कर पा, तो उसको आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। आपको सिंपल फॉर्मेट लिखना है और आपकी वो पेन ड्राइव किस ड्राइव में उस ड्राइव का नाम लिखना है, तो पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। अभी मैं फॉर्मेट, मेरी कोई पेन ड्राइव अटैच नहीं है इसके साथ, इसलिए मैं आपको डेमो नहीं दिखा पाऊंगा, बट इसके बाद आपको ड्राइव का नाम लिखना है तो आपके पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कमांड है कलर। कलर क्या करेगा, कलर आपके कमांड प्रॉम्प्ट का कलर, फोन कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। सपोज कीजिए कलर हमको चेंज करना है, आपको इसके लिए कोड पता होना चाहिए, आप गूगल करेंगे तो आपको कोड पता हो जाएंगे क्या क्या कलर कोड होते हैं। सो सपोज कीजिए कलर 84 लिखता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड का कलर और फोन कलर दोनों चेंज हो गए, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है फोन कलर कि किस कलर में उसको करना है ताकि यूजर को कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कलर वन। कलर वन तो कलर चेंज हो गया, अगर आपको डिफॉल्ट पे जाना है तो आप सिंपल लिखिए कलर तो वो डिफॉल्ट पे वापस लौट आएगा। ठीक है दोस्तों, सो आज अब हमारी लास्ट कमांड पे जाते हैं, जो हमारी 10वीं कमांड है। ये आपको आपके कंप्यूटर में जो जो भी मीडिया इंस्टॉल्ड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जितने भी मीडिया आपके इसमें इंस्टॉल है उसकी डिटेल उसने दे दी, उनका क्या स्टेटस है। सो ये भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है जब आपको
सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए एक बार में, ठीक है दोस्तों। सो करेंटली ओनली वाईफाई वर्चुअल बॉक्स ही मेरे इसमें इनेबल है, तो उसने उनके लिए डिवाइस का इन्फॉर्मेशन दिया है, बाकी के लिए डिसकनेक्टेड दिखाया है क्योंकि वो करंटली रनिंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको और कमांड चाहिए तो प्लीज़ मेंशन कीजिए, मैं दूसरा वीडियो भी लाऊंगा और कमांड के साथ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।